and we are going to study the indifference curve of the consumer when the goods are perfect substitutes as the nature of the commodities can be different mean goods can be complement to each other goods can be perfect substitute to each other or goods can be a limited substitute to each other so keeping in view this nature we can derive various types of the indifference curve when the consumer is having a decision of consumption so if there is a case when consumer has to decide the consumption and among that bundles he is having one combination of the goods x1 and x2 but when x1 and x2 both are perfect substitute to each other नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन दैट वट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिज कमोडीज या दूसरे अल्फ़ाज़ में अगर हम कहें क्या फीचर्स होंगे जिनकी वजह से हम कहें कि ये दो कमोडीज जो हैं वो परफेक्ट जो इधर उधर है अगर हम कहें कि अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को छोड़ के दूसरी कमोडटी को लेना चाहे लेकिन एक ही रेट पर तो हिमींद परफेक्ट सब्सिट्यूट टू ईच अदर और अगर कंज्यूमर दोनों के दरमियान वन टू वन डिसाइड करना चाहे और अगर दूसरी फॉर्म में हम कहें कि जब दोनों कमोडिटीज में मोस्टली फीचर्स इतने कॉमन हों कि दे बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल तो हम कहते हैं कि दे बोथ आर परफेक्ट सब्सिट्यूट टू ईच अदर और बल्कि कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि उनके कुछ फीचर्स उनको आइडेंटिफाई करने में मदद ना कर रहे हों लेकिन यूटिलिटी उनकी सेम हो तो अगर हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में कहें कि अगर एक कंज्यूमर को तो एक पेन नीले रंग का हो और एक पीले रंग का दोनों पेन में डिस्टिफ्रेंस करना हो तो एक्चुअली वो सारी यूटिलिटी जो उससे ले रहा है राइटिंग उसका फ़ीचर उसका डिज़ाइन मीन्स ओनली डिफरेंस इज द कलर तो दोनों परफेक्ट सबसे होंगे अगर दो पेंसिलें हों तो भी सबसे होंगे तो लाइक वाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो टोटली आइडेंटिकल ना हो लेकिन नियर टू ईच अदर तो ये फीचर रखते हुए हम उन्हें परफेक्ट सब्जी कह सकते हैं और कुछ जो बिल्कुल एक जैसी होंगी वो तो होंगी ही अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो हम इसका मतलब है कि हमारी जो कमोडिटीज जिनका पर्पस ऑफ यूजेज सेम होगा तो वो परफेक्ट सब्जी कहलाएंगी। और चूंकि उनका परपज ऑफ यूजेज सेम होगा तो ऑलमोस्ट उनकी प्राइसिस भी जो मार्केट में हैं वो हो सकता है हंड्रेड परसेंट नहीं बट ऑलमोस्ट वो सेम होनी चाहिए और जो एक मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम उसको कहें तो वो है ये है कि इन दोनों के दरमियान जो सब्सटीट्यूशन है वो इंफिनिटी होती है क्योंकि वो लिमिटेड नहीं होती मीन विद एवरी टाइप ऑफ मीन अगर इसके सौ यूनिट हैं तो दूसरी कमोडिटी के भी सौ यूनिट के साथ और इन्फिनी लेवल ऑफ सब्सिट्यूशन पे वो आपस में सब्सिट्यूट हो सकते हैं और इन दोनों के दरमियान जो ट्रेड ऑफ़ है अगर वो प्राइस डिफरेंस की वजह से है तो किसी एक की भी अगर प्राइस में चेंज आएगा तो फौरी तौर पे अगर एक की प्राइस मामूली सी भी इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर फ़ौरी तौर पे शिफ्ट करके दूसरी पर जा सकता है सो एनी प्राइस डिक्रीज और एनी प्राइस इंक्रीज अमंग परफेक्ट जो है वो इसके दरमियान रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा और बहुत वैलिड किस्म का होता है उसी तरीके से अगर हम अब देखें कि जब इंडिफरेंस कप को हमने ड्रा करना है तो इसकी एग्जांपल जिस तरह हमने कही थी कि अगर दो कंबिनेशन uh, में एक कम्बिनेशन आ गया जिसमें रेड और ब्लू पेंसिल्स का आ जाए और अगर वो हम कहें कि वो दस यूनिट ले रहा है ब्लू के और दस यूनिट ले रहा है रेड पेंसिल्स के और ये उसका एक बंडल है और क्योंकि अब उसके पास जो टोटल है वो कम्बिनेशन में ट्वेंटी पेंसिल्स हैं अब इसी तरीके से अगर हम उसको कहें कि कोई उसको तीसरा एक बंडल वो बनाना पड़े जिसमें वो कहें कि उसके पास पांच पेंसिल्स रेड की रह जाएं और पंद्रह जो हैं वो ब्लू की हो जाएं या पंद्रह रेड की रह जाएं और पांच ब्लू की हो जाए तो कंज्यूमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स ट्वेंटी होनी चाहिए सो तो, तो इस कंडीशन में जो इंडिफरेंस कर्व होगा कंज्यूमर्स का वो किसी भी फॉर्म में देखें तो वो पांच को पाँच से ही स्विच कर रहा है वो दस को दस से ही स्विच कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट होता है और उसको हम माइनस वन से एक्सप्लेन करते और इसीलिए इस फॉर्म में हम कहें तो जो इंडिफरेंस कव ऑफ़ द कंज्यूमर है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे सामने आएगा अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमने वो इंडिफरेंस कव शो किए हैं जिनमें अगर हम देखें तो कमोडिटी एक्स वन इज हेयर एंड कमोडिटी एक्स टू इज हेयर एंड नाउ दीज आर वेरियस टाइप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व ऑफ़ द कंज्यूमर जिसमें वो इस इन डिफरेंस कर्व से मूव करते हुए सॉरी टू ड्रॉ अगर ये स्ट्रेट नहीं हो रहा और अगर ये उसका नेक्स्ट इन डिफरेंस कर्व है जब वो किसी भी दोनों में एक ही लेवल की प्राइस चेंज की फॉर्म में हो सकता है ये हो या इनकम की फॉर्म में इंक्रीज करते हुए यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है बट ये स्ट्रेट लाइन डज नॉट मीन कि इसकी स्लोप जो है वो इसी तरीके से रहेगी वी कैन ड्रा वन एन अदर जिसमें हम कर सकते हैं कि एक स्टीपर लेवल का इंडिफ्रेंस कर्व है वो इस फॉर्म में भी हमारे पास हो सकता है और इसी तरीके के इंडिफ्रेंस कर्व के फॉर्म में भी अगर हम इसकी स्लोप को चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन को तो इफ इट इज रेशो ये टू बाय वन दे रही हो तो इट मीन्स इट कैन बी टू और इसी तरीके से एक हमारे पास फ्लैटर फॉर्म का भी हो सकता है और इसका रेट ऑफ चेंज भी हम देख सकते हैं तो अगर हम इसमें देखें तो ये उसके मुकाबले में टू बाई वन की बजाय वन डिवाइड बाई टू हो सकता है मीन जीरो पॉइंट फाइव सो इट कैन बी ज़ीरो पॉइंट फाइव इट कैन बी टू इट कैन बी वन वट एवर द फैक्टर इट इज़ लेकिन हमने इसका जो रेट है वो जो है हमारे पास जब रहेगा तो वी कैन से इट इज़ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ट्रू दाइक दिस हम इस बंडल ऑफ पेंसिल्स को अगर हम उसी तरीके से कहें तो हमने कहा कि उसकी प्रेफरेंस राइट साइड पे चली गई और उसी तरीके से अगर हम किसी के बंडल्स को कम करेंगे तो उसकी प्रेफरेंस को भी हम उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बट वट एवर द परफेक्ट सब्सटीट्यूट दे विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन फॉर द कंज्यूमर है Throughout the indifference curve. Thank you.